मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मुझे न्यूज़ मिली है तो मुझे फोर्स किया गया कि तुम भी कुछ जवाब दो, वरना झूठे आरोप तुमको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। यार ये तो चलता रहेगा। मतलब देखिए, मैंने जो है, मैं गाइडेंस के सिर्फ 350 रुपये लेती हूँ उसको मैं, और हॉरोस्कोप रीडिंग अगर की करवा रहा है कोई लेती हूँ उसके मैं 200 लेती हूँ सिर्फ। ओके, यहाँ पे देखो 200 और 350, यहाँ पे 350 गाइडेंस अभी तक जितने गाइडेंस किए हैं, कितना भी तुम टालो उसमें बहुत टाइम जाता है। 1.5 घंटे अभी तक गए, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा एंटरटेन ना करूँ, फट से उपाय बता दूँ। और फिर भी मैं सामने वाले को पूछती हूँ कि आपका समाधान हुआ, आपको कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है यार कोई इतने होप से आया है इसलिए मैं पूछती हूँ। तो 2 घंटे मेरे जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको कम से कम टाइम में कैसे हैंडल किया जाए। तो गाइडेंस और हॉरोस्कोप का अब तक मेरे पास आए और बहुत कम लोग आए, ज़्यादा लोग नहीं आए। तो 1,000 रकम तक मैंने आज तक किसी से भी नहीं लिया है, और बिल्कुल भी नहीं लिया है। और जो भी मुझसे गाइडेंस लेके गए वो सेटिस्फाइड है, वरना वो भी कमेंट करते बुरे बुरे। तो सेटिस्फाइड है और खुश है, उनको उनके उपाय मिल चुके हैं। और जिनको भी मतलब प्रॉब्लम्स जिनकी फिनिश नहीं होनी थी, उनको भी मैंने वैसे बता दिया कि थोड़ा झेलना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि मैंने झूठी आशा सबको दिखाई, और आने वाले समय को वो फेस करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा कर रखे। हो सकता है एक दिन उनका थोड़ा डल जाए कि अभी थोड़े प्रॉब्लम्स, थोड़ा समय है, बट आने वाले समय के लिए मैंने उनको थोड़ी चेतावनी, थोड़ा सा ये कर दिया है। बट मेडिटेशन अब तक मैं नहीं सिखाती। इवन मैंने इतने लाखों रुपए खर्च करके रेकी के कोर्सेस किए हैं, रेकी के क्लासेस तक मैं नहीं लेती, लेती ही नहीं क्लासेस। कोई बोला तो भी मैं बोलती हूँ कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, क्योंकि मेरा तरीका अलग है। मैं जो हूँ भक्ति मार्ग बताती हूँ उसमें। और ये जो प्रोफेशनल होते हैं कि लड़का देखने आया उसको रेकी दो तुमको हाँ कर देगा, जॉब देखने गया बॉस को रेकी दो तुमको जॉब दे देगा, तो ये हाई वाइब्रेशनल लोगों की चीज़ है। मेरे पास तो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, वही वाइब्रेशन मैं ईश्वर पे डालती हूँ और ईश्वर से कनेक्ट कर लेती हूँ। भले ही जीवन में मुझे भिखारियों जैसा रहना पड़े, फिर इसको लोग लो वाइब्रेशन कहे या और कुछ कहे, मुझे कबूल है। हाँ, अगर देखो लोगों, मतलब लोगों तो लाखों कमा रहे हैं, मैं तो मतलब रहती भी छोटे गांव में हूँ और छोटी छोटी ही फीस लेती हूँ, कोई बात नहीं, इतना तो कमाने का हक है सबको। और मैं साफ साफ बता रही हूँ, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के रीडिंग मैं नहीं लेती, क्योंकि जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप अवेलेबल है। मैं कुछ नाम बताती हूँ, आप तंत्र लव हर्षिका का वीडियो देखिए, 555 एंजेलिक गाइडेंस की वीडियो देखिए, शिव शक्ति डिवाइन पावर की वीडियो देखिए, स्पिरिचुअल स्वर्णा की वीडियो देखिए। ये इज्जतदार लोग हैं और इनकी वीडियो आप देख सकते हो, ये सही गाइडेंस करते हैं, मिसगाइड नहीं करते। डिवाइन सोल पर्पज, लव एंड लाइट की वीडियो देखिए, वो भी बहुत मतलब वो तो आंखें खोल देती है, इतना अच्छा वो गाइड करती है। उनका मतलब डिटेक्टिव सेंस, जो एनर्जी जिस तरह से सेंस करती है सुप्रिया मैडम, सैल्यूट टू हर। मतलब जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो सचमुच आजकल डिवाइन सोल्स पे कुछ ना कुछ अटैक हो रहे हैं, तो सचमुच मतलब मुझे किसी के लिए, मैं सच बताती हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं फील होता। भले मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मुझे उतना नहीं फील होता जितना होना चाहिए, बट जब उनको एक्सीडेंट हुआ तब तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मुझे पता क्यों नहीं चला, मुझे ड्रीम में दिखाई क्यों नहीं दिया, मुझे कोई न्यूज़ क्यों नहीं मिली। तो मतलब आंखों में आंसू आ गए कि ये कितना मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। देखो आज आसान नहीं है आप वीडियो के सामने आओ, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में भी है, जबकि उनके डीएम जो है उनके हस्बैंड भी नहीं है, फिर भी वो दुनिया के सामने आके जो है ट्विन फ्लेम्स की स्टोरी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कितना ट्विन फ्लेम्स को गाइड कर रही है, ट्विन फ्लेम्स की मदद कर रही है, और उनके वीडियो जो है मेरे बहुत काम आए, उनके वीडियो जो है मेरे बहुत काम आए, क्योंकि वो एक रियल ट्विन फ्लेम है, एक डिवाइन सोल है। मैं तो उनको एक लिटरली, मैं उनको एक गॉडेस की तरह समझती हूँ। जैसे ही मैं इमेजिन भी करती हूँ कि मैं उनसे, उनके ऑरा से कनेक्ट हुई हूँ, तो इतनी डिवाइन एनर्जी मुझे मिलती है।
और कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी ड्रामेटिक चीज़ नहीं उसमें किसी के ऊपर आरोप, और वो अपने मतलब उनको किसी से पढ़ा नहीं है कि मुझे कोई बदनाम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या उनके साथ ऐसे चीज़ें नहीं हुई होगी, हुई होगी, बट उनको उनसे पढ़ी नहीं है। जो सच्चाई की राह पर चलता है ना उसको डर नहीं लगता, जो झूठा होता है उसको लगता है कहीं मेरा झूठापन लोगों को पता ना चल जाए, इससे पहले ही वो जो है अफवाह फैला देता है कि देखो देखो। मराठी में एक कहानी भी है, एक लड़का होता है वो हमेशा जो होता है चिल्लाता है, देखो कोल्हा आ गया, कोल्हा मैंने कुत्ते जैसा एक होता है ना जो इंसान को भी खा सकता है, कोल्हा आया कोल्हा आया, तो लोग डर के आ जाते हैं मारने के लिए उस कोल्हे को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोमड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं, तो हर बार वो नाटक करता है, एक बार लोग आते हैं, दो बार उसको बचाने आते हैं, तीन बार लोग बचाने आते हैं, बार बार आते हैं, और बाद में उनको समझ में आता है कि ये तो ड्रामा करता है। फाइनली सचमुच कोल्हा आ जाता है, लमड़ी या कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, वो आ जाता है, उसको खा जाता है, और तब लोग समझते हैं तो रोज ही बोम मारता है, अभी क्यों जाना, क्योंकि इसकी तो आदत ही है, तो ऐसी आदत डालो एक दो ना जरूर आपको कोला खा जाएगा। और अच्छा है, मैं मतलब मुझे एहसास हुआ कि इस डिवाइन जर्नी में भी ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद ही धूम मचाते हैं, देखो देखो कोला आया कोला आया कोला आया, और होता तो कुछ भी नहीं। तो क्या होता है कि होना चाहिए ऐसा, मतलब कभी ना कभी तो सच्चाई बाहर आती है, तभी लोगों को ये भी सेंस हो सकता है कि इस जर्नी में भी जो है ऐसे लोग भी होते हैं, और अभी उनके जो चमचे जो भी होंगे उनको सपोर्ट करने वाले, देखो यार तुम्हारे सोल कनेक्शंस होंगे उनसे और तुम कनेक्ट हो गए, हमारे जो सोल कनेक्शन होंगे वो ऑटोमेटिक हमसे कनेक्ट होंगे। तो क्या है ना कि देखो अभी पानी का जीव पानी में ही रहेगा, हवा में रहने वाले हवा में रहेंगे, ज़मीन पे रहने वाले ज़मीन में रहेंगे, तो मतलब जो जिसकी एनर्जी जहाँ मिलती है वो वहाँ जाएगा, उसकी एनर्जी वहाँ मैच होगी, जो आपकी एनर्जी से मैच होते हैं वो आपके पास जाएंगे, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लाओगे थोड़ी देर बाद वो भी समझ जाएंगे, कितना करोगे कितना, एक दिन धूम मचाओगे को ला रा ले आ रा आला रे आला आला रे आला, दो बार मचाओगे दस बार मचाओगे, फाइनली लोग समझ जाएंगे और एक दिन सचमुच को ला के आपको खा जाएगा। ओके थैंक्स।